हाथा जिलाधिकारी ने बागला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने निरीक्षण में अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व हाथरस के बागला जिला अस्पताल में एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई थी, जिससे अस्पताल में न एम्बुलेंस मिली न स्ट्रेचर। वह व्यक्ति काफी देर तक अपनी पत्नी के शव को कंधे पर डालकर इधर उधर भटकता रहा, पर किसी के द्वारा उसे सही जानकारी नहीं दी गई तो वह मोटरसाइकिल के ऊपर ही अपनी पत्नी के शव को रख कर ले जाने लगा। तभी कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा उसको समझा कर प्राइवेट एम्बुलेंस दिलवाई गई और उसे शव के सहित उसमें बैठा कर उसके गाँव भेज दिया गया। यह खबर मीडिया में आने के बाद इसकी गूंज शासन तक हो गई, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा लगातार हाथरस के जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कवायद की जा रही है। जहां CMH डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा कल निरीक्षण कर स्टाफ के पेज कसे गए और इमरजेंसी में आने वाले प्रत्येक मृत व्यक्ति का रजिस्टर बनाकर रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए, वहीं आज अचानक हाथरस जिला अधिकारी रमेश रंजन जिला अस्पताल पहुंच गए। उनके द्वारा OPD से लेकर ब्लड टेस्टिंग, कुपोषित वार्ड, जनरल वार्ड के साथ ही महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कमियां पाए जाने पर CMS को व्यवस्थाएं सुधारने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच रखा है, वहीं छोटी मोटी कमियों को तत्काल ही दूर करते नजर आई। हाथरस से दिवेश भारद्वाज की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। सर, आपके द्वारा जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, सर क्या कुछ कमियां पाई गई? क्या काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ा इनको डायरेक्शन दिया गया है कि जो अपने पेशेंट्स आते हैं उनके साथ जो ताबेदार हैं, फैमिली हैं, उनके बैठने की व्यवस्था और सही से किया जाए। उन्होंने स्टार्टिंग में टोकन सिस्टम डेवलप किया है, बट अभी उससे भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो वही टोकन सिस्टम डॉक्टर्स के लिए भी और जहाँ मेडिसिन दिया जा रहा है वहाँ भी टोकन सिस्टम कर देंगे, मे बी 3-4 दिनों के भीतर। उससे ये आसानी रहेगी, पेशेंट्स आराम से बैठे, जब टोकन पर नंबर मिलेगा तो उसके हिसाब से दवा लेंगे। ऊपर में भी इनका जो जहाँ सैंपल्स देते हैं ब्लड सैंपल्स, वहाँ पे भी थोड़ी बैठने की व्यवस्था और अच्छा किया जाएगा। डायलिसिस सेंटर जो पीछे भी हम लोग देख रहे हैं, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जाना बहुत जल्दी। जो एजेंसी को काम दिया गया कल शाम तक वो सामान सब इंस्टॉल कर लेंगे। जो महिला अस्पताल है उसमें जो SNCU बना हुआ है, जहाँ नए बच्चों को अगले 3-4 दिन की अगली तबीयत थोड़ी ठीक रखते हैं, वो एक तरीके से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है लोग उठा रहे हैं। प्लस आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि जो नए बच्चे हैं जिनको भी इस तरह की सूझ और ज़्यादा लोगों को बताया जाए। NRC सेंटर एक बना हुआ है, वहाँ भी आप लोग भी देखे होंगे काफ़ी सारे बच्चे जिनकी वजन कम होते हैं या और भी एनेमिक होते हैं, मैम और सैम वाले बच्चे होते हैं, उसमें लगभग 10-11 बच्चे कंटिन्यूटी में आए हैं। उनका वजन भी जब ये 14-15 दिन यहाँ रहते हैं तो वजन बढ़ता है, उनके बच्चों को जो फैमिलीज हैं हेल्थ के बारे में डिटेल बताया जाता है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया। थैंक यू सर। वो ये सब वाले मामले में आए सर, कंधे पे सब वाले मामले में आए थे, आज क्या था?